नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ। मैं हूँ रूहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मूल मंत्र दिया है कि भारत को स्वदेशी को अपनाना, और उसमें सबसे पहले जो जिक्र किया गया था वो यही था कि खादी को किस तरह से अपनाएं, और कहीं ना कहीं अब स्टाइल स्टेटमेंट भी बनता जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में खादी को आगे प्रोत्साहित करने के लिए हिना भट्ट जो है हमारे साथ, और हमेशा से जब भी मौका मिलता है ये हमेशा कहीं ना कहीं योजनाएं जो है जम्मू कश्मीर तक पहुंचाती हैं, और एक अच्छे ओहदे पर होने के नाते जम्मू कश्मीर को किस तरह से खादी की कड़ी के साथ जोड़ते हो, आत्मनिर्भर करिए, मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे। किस तरह से लगा कि प्रधानमंत्री का संबोधन, खादी का जिक्र, और आप उस कड़ी के साथ जुड़ी और काफ़ी समय से जुड़ी, आज प्रोत्साहित कर रहे हैं? देखिए, जब से मैं खादी के साथ जुड़ी हुई हूँ, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और खादी को बढ़ावा दिया, तब से आप देख सकते हैं पूरे देश में युवाओं ने खादी को जाना है, अपनाया है, एक स्टाइल स्टेटमेंट बना है। बार बार उनका एक नारा रहता था, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन। कारण ये है क्योंकि खादी विलेज इंडस्ट्री जो है, मींस हमारे पूरे भारत की विलेज इंडस्ट्री है वो, मींस हर कहीं गांव में जो हमारा हुनर है, वो हाथ से बुनी हुई कोई भी चीज़ हो, वो सिर्फ खादी का एक कपड़ा नहीं है। कश्मीर में हाथ से बुना हुआ पश्मीना है, साउथ में हाथ से बनाई हुई सिल्क की साड़ी है, बिहार में आपके खादी का कपड़ा है। कहीं भी किसी भी देश के कोने में जाइए, मींस आपके साथ पूरे देश में खादी के साथ आर्टिज़न जुड़ा हुआ है। एक वो गरीब व्यक्ति जो चरखा चलाता है, यही मैं बोलने वाली थी कि यहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता भी जुड़े हुए हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मान रही है कि आप प्रधानमंत्री के जो जुबान से ये बात निकली है कि खादी आगे प्रोत्साहित हो रही है, और आप ही कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में उस कड़ी में जुड़े, और आगे कैसे आत्मनिर्भर बनने वाले? देखिए, हमारी जो ये आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कोविड से ही शुरू हुई। यहाँ पे हमने अभी तक 10 लाख से ज़्यादा मास्क बनाए और सीधा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर किया है। उसमें हमारी जो लड़के लड़कियां हैं टेलरिंग का काम कर रहे हैं, या खादी के थ्रू लोन लेके उन्होंने अपने बुटीक्स या कोई भी सेंटर शुरू किया है, उनको हमने आत्मनिर्भर किया है इस दौरान, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी रोज़गार की सुविधा नहीं है। तो हमारी ऐसी छोटी छोटी कोशिशें हैं कि जहाँ पर भी आर्टिज़न है उसको प्रोत्साहन हम इनक्रेज करें, और देश की उन्नति में जब आज़ादी के लिए चरखा शुरुआत में ही आया था, तो अभी नरेंद्र मोदी जी उसको आगे लेके चल रहे हैं। इस कोविड की मसले में जहां पूरा दुनिया जूझ रहा है, तो हमने वापस वही अपनाया है जो गांधी जी ने बताया था कि अपने ही प्रोडक्ट्स को आप एनकरेज करें। ने कहा लोकल को वोकल बना, yes. इतना प्रचार करके गर्वान्वित महसूस करें कि हम उस भारत के वासी हैं जहाँ से राष्ट्रपिता आते हैं। आज तमाम पार्लियामेंट्स अगर हम विभिन्न देशों की देखते हैं, वहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता की प्रतिमा लगी होती है, लेकिन लोकल को अब कहा जा रहा है कि वो ग्लोबल बन चुका है, तो हमारा खादी कितना ग्लोबल बना? ऑलरेडी हमारा खादी बहुत ग्लोबल बन चुका है। हमारे खुद जिस प्रोडक्ट के, जिस खादी के हमारे ब्रांड एम्बेसडर खुद हमारे प्रधानमंत्री है, जब हमारा भारत पूरे दुनिया में एक नक्शे में जाना जाता है, हिंदुस्तान है तो मोदी जी का है, तो खादी हिंदुस्तान की शुरुआत से ही अभी तक हमारी पहचान है। और जो उन्होंने नारा दिया है वोकल बनाइए, तो वही हमारी फिर आगे कोशिश है। चलिए, साफ तौर पर लोकल को वोकल बनाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अब और बढ़ चुकी है। आत्मनिर्भरता की कड़ी में अब खादी को आगे लेकर जाना है, और डॉक्टर हिना भट्ट जो है पिछले काफ़ी समय से इस एक क्षेत्र को आगे बढ़ावा दे रही हैं, रोजगार के यहाँ पर साधन जो है वो खोजे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के पहिए को दोबारा चलाने के लिए तो 5 स्तंभ बताए गए हैं, जिसमें इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, डिमांड है, यानी कि तमाम जो स्तंभ बताए गए हैं उस पर आगे जाकर किस तरह से ये सप्लाई चेन चलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमें उम्मीद है हमारा देश स्वदेशी अपनाए और कहीं ना कहीं भारत जो है सशक्त बनेगा। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।